आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल फहद रेस्टोरेंट के बारे में, जिसका वैकेंसी निकला है और इसका इंटरव्यू होने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी दोस्त इसमें इंटरव्यू करना चाहते हैं तो इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। मैं हूं संजर आलम, आप देख रहे हैं संजर जॉब कल्प। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल फहद रेस्टोरेंट के बारे में, जिसका नया वैकेंसी निकला है और इसका इंटरव्यू होने वाला है 30 तारीख को, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, जो कि ये रेस्टोरेंट हेल्पर की ज़रूरत है। तो इसमें पूरा जानकारी मैं आपको बताऊंगा और कितने साल का एज का आदमी इसमें चाहिए और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, इसमें पूरा जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के साथ में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल से मिलते रहे, जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, कोई सा भी कंट्री में अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी हमारे चैनल से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अल फहद रेस्टोरेंट का जो वैकेंसी निकला है और रेस्टोरेंट हेल्पर की जरूरत है, इसमें 100 हेल्पर की जरूरत है, 100 हेल्पर की जरूरत है। सिर्फ इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है, इस इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो ड्यूटी का टाइम इसमें 8 घंटे का ड्यूटी है, प्लस इसमें आपको अलग से ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है, ओवर टाइम अलग से मिलेगा, 8 घंटे का ड्यूटी है। एज का लिमिट है इसमें, एज का लिमिट 21 से 29 साल का व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, एज का लिमिट जो है 21 से 29 साल का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू होने वाला है 30 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है। यानी पासपोर्ट आपके पास ECR है या ECNR, दोनों पासपोर्ट इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास ECR है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ECNR है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इसमें फैसिलिटी दिया जा रहा है कंपनी के तरफ से, वो रहने का रूम, आने जाने का बस, मेडिकल इंश्योरेंस और सऊदी का नेशनल कार्ड, ये आपको कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। यानी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सऊदी का नेशनल कार्ड, ये आपको कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। और कंपनी के तरफ से सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट है वो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। सैलरी इसमें 1000 है, ठीक है, 1000 सैलरी है, प्लस जो है खाना आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ओवर टाइम आपको 4 घंटा इसमें ओवर टाइम मिलेगा, महीने में कम से कम 400 से 500 रियाल आप ओवर टाइम से निकाल सकते हैं, फिक्स आपका ओवर टाइम लगेगा। तो जो भी दोस्त इसमें इंटरव्यू करना चाहते हैं तो वो फटाफट इंटरव्यू कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, आपको मैं ऑफिस का डिटेल दे दूंगा। और वैकेंसी आपका स्क्रीन में शो कर रहा है, आप वैकेंसी को देख सकते हैं, वैकेंसी आपका स्क्रीन में शो कर रहा है। अगर आप या फिर आप वैकेंसी का स्क्रीन शॉट मार करके कोई भी आपके जान पहचान या गाँव, मोहल्ला, शहर, कहीं पर भी ऑफिस है तो आप वहां पर भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी का स्क्रीन शॉट मार करके। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, ताकि जो भी दोस्त गल्फ कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल से जानकारी मिल जाएंगे एक न्यू वैकेंसी के साथ में।